देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और भारत को भी इस सभ्यता से गौरव प्राप्त हुआ, क्योंकि भारत इसके पहले जान रहा था कि 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वैदिक सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसके पहले के बारे में भारत को कोई जानकारी नहीं थी। उसी समय विश्व के कई देश, अब मिस्र यहां पे है नील नदी के किनारे, ये अपना घोषित किया कि हमारे नील नदी की सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व का है, हम वर्ल्ड के सबसे प्राचीन लोग यहां रहते थे। इराक में दजला और फुरात के किनारे मेसोपोटामिया नदी, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये भी कहा कि हम सबसे पुराने हैं। चीन में हवांगो नदी की सभ्यता सब 2500 ईस्वी पूर्व वाले हैं। कोई 2200 ईस्वी पूर्व कह रहा है, कोई 2300 कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है। भारत को लग रहा है कि हम पीछे, हम 1500 ईस्वी पूर्व है, हमसे 1000 वर्ष पहले इन जगहों पर लोग मकान दुकान बना के व्यवस्थित ढंग से रहना शुरू किए। जब व्यवस्थित रहने लगेंगे तब सभ्यता शब्द लगेगा, क्योंकि सभ्यता का पहला अक्षर क्या है? सभ्य। सभ्य, सभ्य मीन्स बढ़िया ढंग से रहना। अब जरा ध्यान से समझे, व्यवस्थित रूप से रहना ये लोग पहले कह रहे हैं। यहाँ पे मिस्र नील नदी की सभ्यता, दजला फुरात मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ पे हवांगो नदी घाटी सभ्यता। अब सुन ले, 1826 में ही चार्ल्स मैसन ने घोषणा किया हड़प्पा नामक किले को देखकर कि लगता है यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता भारत की दबी है। और बाद में हम लोग देखे, आपको चूंकि रेलवे बेस्ट ही कर लेते हैं जिसमें पूरे बन जाए, पूरे टॉपिक को कंप्लीट करें। 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर पूरे टास्क मिला दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब हड़प्पा का हम लोग उत्खनन किए तो भारत गौरव से भर गया, क्योंकि इसके वस्तु का कार्बन 14 से जब उम्र का निर्धारण किए तो यह विश्व के प्राचीन सभ्यताओं के पैरेलल जा ठहरा, और भारत के लिए गौरव का क्षण हुआ। हम लोग की भी पुरानी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व बता दिया गया, यानी वर्ल्ड में पुराने पुराने सभ्यता कहीं था तो भारत भी उस समय एग्जिस्ट कर रहा था, और भारत की यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। अब यह हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। आपसे पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यह हड़प्पा भारत में है कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में यह हड़प्पा है, फिर भी पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ। किसी लड़के के यहां दो भाई चाचा में बंटवारा हो गया और हाथी का एक नाद इधर पड़ा हुआ है, हाथी मर गया है, सिक्कड़ इनके यहाँ हिस्सा में है, तो कोई घूमने आएंगे तो भले तुम्हारे यहाँ नाद नहीं है लेकिन ले जाके घुमा देंगे कि देखिए बाबा हाथी रखते थे, हिस्सा उधर चला गया, बड़े आदमी हम है, सिक्कड़ भी रखा हुआ है। तो ये सब दिखाने में तुमको मजा आएगा। भारत भी वही करते हैं, भले पाकिस्तान में है, सबसे पुराना हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा था तो पहले इंडिया, और तब यहां से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर मोहनजोदड़ो अगला साल हम लोग उत्खनन किए, और मोहनजोदड़ो 1922 में हम लोग जब उत्खनन किए, और अच्छी बात रही दोनों सामग्री लगभग मिल रहे थे, और इनको हम लोग राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन प्रारंभ की। यानी आपका रेलवे का पैटर्न क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता में पहला उत्खनन कहाँ हुआ? हड़प्पा। कब हुआ? 1921 दयाराम साहनी, 22 में मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी। तब हम लोग देखे, आपको समझाए थे हड़प्पा का, कम से कम सभी बच्चे 6-7 जगह कम से कम रेलवे के लिए याद करो, और इसके लिए हम बताए थे ज्यादा नहीं, आप ध्यान रखोगे कि आप कैसे हो, कमजोर की चलाक, तो कहना है हम चलाक हैं, हम चलाक हैं, कमजोर नहीं है। और ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से चानहोदड़ो, लो से लोथल, का से कालीबंगा। इसके बाद एक दो और हम लोग चल ले, तो हम लोग देखे थे बनवाली, और एक और देख ले रोपड़, बनवाली और रोपड़। सुन लीजिए,
इतने जगह मैप पर सभी बच्चे को याद चाहिए। पहला चरण में इतना चलो काफी है, दूसरा चरण होगा तो इतना जगह तो केवल तुमको गुजरात में मिल जाएगा, देसलपुर, धोलावीरा, रोजदी, रंगपुर, सब गुजरात में इतना मिल जाएगा। लेकिन पहला राउंड में कोई आवश्यकता नहीं है, रेलवे के लिए पर्याप्त जोन चल रहा। अब इसमें एक एक चीज ध्यान दे दो, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान, चानहुदड़ो कहां है जल्दी बोलो, तो ये भी पाकिस्तान में, ये भी सिंध प्रांत में ही, सिंधु नदी के किनारे, ये दोनों देख रहे हो, इसका नाम मोहनजोदड़ो और इसका नाम चानहुदड़ो। अब तुमसे पूछा जाएगा कि चानहुदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, ये सब रटना नहीं है, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। दोनों ही सिंध प्रांत में स्थित, ये पंजाब का क्षेत्र है पाकिस्तान का। अब हम लोग चले, लोथल कहां है गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, बनवाली हरियाणा, बनवाली कहां है हरियाणा, और इसके बाद रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में। तो ध्यान दीजिए, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। तो पहला हम कोशिश कर रहे हैं इन जगहों का नदी किनारा आपको याद करा दे, फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है प्राप्त सामग्री, और उस पर फिर व्याख्या होगा। अंतिम में मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 लेवल 1 का जो फटाफट सही होना चाहिए, 5 2 का जिसमें दिमाग लगाओ उतना सही, तो हड़प्पा रेलवे में कुछ भी पूछेगा बनेगा तुमसे। अब जरा गंभीरता से सुन लो, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चानहुदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर, यहां पर कालीबंगा कौन है, घग्घर सरस्वती जिसको कहते हो, बनवाली भी घग्घर, और रोपड़ सतलज। एक बार तेजी में रिवीजन करो, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चानहुदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर, बनवाली घग्घर, और रोपड़ सतलज। अब सबसे महत्वपूर्ण दो चार बात है जिसको ठीक से सुनना। सबसे अच्छी बात है, विश्व में हम लोग पुराने हैं ये तो गौरव का बात है, उससे भी ज्यादा गौरव की बात है कि उस समय जितने भी वर्ल्ड में पैरेलल सभ्यताएं चल रही थी, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे नील नदी की सभ्यता हो, किसी के यहां हम लोग जैसा न तो जल निकासी था और न उतना दुर्गीकृत था, हम लोग उन सभी से भी श्रेष्ठ थे। तुम पढ़ोगे यहाँ का जल निकासी नाली, यहाँ के दुर्ग टीला, आश्चर्य होगा। तो पहले तो दो चार ऑब्जेक्टिव बनते हैं, फटाफट कर लो, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण की नगरीय, नगरीय सभ्यता है, एकदम टाउनशिप। दूसरा नंबर इसका महत्वपूर्ण चीज, इस समय तक कांसा का खोज हो चुका है, और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन की कांस्य युगीन, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन। तीसरा इस समय सबसे इंपॉर्टेंट एक और पूछेगा, अगर कोई लिखित विवरण ना हो तो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं, लिखित हो पढ़ नहीं पाए तो आद्य ऐतिहासिक, और लिखित और पुरातात्विक दोनों है तो ऐतिहासिक। हड़प्पा में लिखा हुआ मिला है, हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो ये कैसा सभ्यता होगा, आद्य ऐतिहासिक। तीन बात ध्यान रखना, आद्य ऐतिहासिक, कांस्ययुगीन, नगरी। अब तेजी में सुनते जाओ, क्या क्या कहां मिला, इंपॉर्टेंट चीज एक बार बोल दे, इस पर टर्नअप हो। हड़प्पा में सबसे इंपॉर्टेंट है 6 के 2 कतार में अन्नागार, अनाज रखने के गोदाम 6 के 2 कतार में मिला है। तो 6 के 2 कतार में अन्नागार, और दूसरा हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति मिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हड़प्पा जगह में जब उत्खनन हुआ तो एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र है। इतिहासकारों ने यह सोचा कि हड़प्पा वासी कल्पना किए होंगे कि सृष्टि का निर्माण महिलाओं के द्वारा हुआ है, पूरा सृष्टि महिला ने ही बनाया है, और इसीलिए उनको मातृ देवी कहा। पुरुषों से महिलाओं को ऐसे भी श्रेष्ठ माना जाता है, धरती के सभी पुरुष मर जाएंगे कोई बात नहीं है, धरती चलेगा,
लेकिन सभी महिलाएं अगर मर जाएं एक दिन में, धरती नष्ट हो जाए। बात समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? कई लोग को बात नहीं समझ में आए, नहीं समझा? अरे धरती की सभी महिलाएं मर जाएगी, तब पुरुष बुढ़ा होकर एक दिन मर जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाए। धरती के सभी पुरुष मर जाओ तो कुछ महिलाएं गर्भवती होगी जो फिर से सृष्टि कंटिन्यू कर सकती है, तो वो सृष्टि चलेगा। पृथ्वी पर पुरुष के अचानक लुप्त होने से दिक्कत नहीं है, महिला लुप्त हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और यही मातृ देवी की अवधारणा हड़प्पा सभ्यता में माना गया। तो अब जरा ध्यान से बात समझो, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिलना ये सबसे इंपॉर्टेंट हो। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो में 26 नर कंकाल मिला है। एक ही जगह 26 व्यक्ति के शरीर पर तेज पहने धार के निशान है और 26 व्यक्ति एक जगह मरा हुआ है। आगे हम यूज करेंगे इस लाइन। इसीलिए इस मोहनजोदड़ो का अर्थ कर दिया गया मुर्दों के टिल्ला। अरे भाई 26 आदमी एक जगह है, लाश का टिल्ला बना हुआ, पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टिल्ला, और यहां पे मुर्दे का टिल्ला है तो कांसे की नर्तकी है, कांसे की नर्तकी तो मोहनजोदड़ो। यही पर पशुपति शिव है, एक पशुपति पशुओं के मालिक एक शिव की मूर्ति मिली है जिसके दाएं बाएं नीचे जानवर भरे हैं। जब यूपीएससी दोगे तो पूछेगा पशुपति शिव के दाई ओर कौन जानवर था, बाघ और हाथी, बाई ओर गैंडा भैंसा और नीचे हिरन, तो क्वेश्चन दे देगा पशुपति शिव में कौन जानवर नहीं था, बाघ भैंसा गैंडा और इसमें दे दिया शेर, तो शेर नहीं था। कई लड़का सोचता है बाघ मारे कि शेर मारे, तो अब जरा ध्यान से सुनना। तो ये तो डिटेल की बात है, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप केवल ध्यान रखो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हुआ, पशुपति शिव। तो पशुपति शिव हो गए, कांसे की नर्तकी हो गई और 26 नरकंकाल हो। अगला दो स्टेप और है मोहनजोदड़ो में, सूती वस्त्र का अवशेष मिला। एक स्टेप और, बहुत बड़ा अन्नागार मिला और बहुत बड़ा स्नानागार मिला। सबसे जो मेन है मोहनजोदड़ो ही है, इसे ध्यान रखना। अन्नागार माने गोदाम, स्नानागार बड़ा सा तालाब स्नान करने वाला, पशुपति शिव। इसके बाद हम लोग देखे कांसे की नर्तकी, 26 नरकंकाल। बोलो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मुर्दों का टिल्ला। नेक्स्ट चले चानहुदड़ो। तो चानहुदड़ो में थोड़ा सा सब लोग समझो, चानहुदड़ो ये एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का जगह है जो कारखाना वाला जगह है। कैसे होता है, कई जगह फैक्ट्री होते हैं, तो ये फैक्ट्री वाला जगह है चानहुदड़ो। यहां तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, गुड़िया बनाने के कारखाना मिले हैं। पूछेगा गुड़िया बनाने के कारखाना, पाउडर क्रीम लिपस्टिक कुछ भी करे सब चानहुदड़ो हो जाए। ये फैक्ट्री के जगह है, पाउडर बनेगा, क्रीम बनेगा, लिपस्टिक बनेगा, यहाँ गुड़िया बनाने के कारखाना होगा, ईंट के बहुत भट्टे मिलेंगे, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पसीने मिलेंगे, ये सब चानहुदड़ो। अब उल्टा आ जाए, हड़प्पा सभ्यता में कारखाना मुख्य कहाँ से मिला, चानहुदड़ो से। नेक्स्ट सुनो, लोथल बहुत दुलरुआ है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता का ये बहुत अच्छा बंदरगाह है। बंदरगाह के लिए कई शब्दों का प्रयोग है, मैं सभी शब्द क्लियर कर दूं। बंदरगाह को ही पत्तन कहते हैं, पत्तन, इसी को अंग्रेजी में डोकियार्ड, हिंदी में डोकियार्ड कह देगा, डोकियार्ड। इसी को एक और भी शब्द से पूछ सकता है, सब बंदरगाह ही। प्रचलित शब्द हम लोग ध्यान दें, बंदरगाह, पत्तन और क्या है, डोकियार्ड। अब आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जहां से जहाज खुलते हैं वो कौन था, लोथल। और यहीं से जहाज खुलते थे दूसरी सभ्यता के लिए, तो यहां पे माप तोल के काफी सामान मिलेंगे, हाथी दांत के स्केल मिलेंगे, यहां पर घोड़ा के भी अवशेष मिलेंगे, लोथल में अग्नि कुंड भी मिलेगा, अग्नि कुंड भी मिले हैं लोथल। अब ये सब चीज आपको मेन ध्यान रखना था। काली जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, कि काली जी तो अग्नि कुंड तो होगा ही, और काली जी में जूता हुआ खेत सबसे इंपॉर्टेंट, मेन ध्यान दे दो।
एक चीज सुन लो, अग्नि कुंड माने जहां आग के कुंड है, जब हम पूछे अग्नि कुंड तो कहना स्वाहा काली जी के नाम पर, एगो व्यक्ति को लकवा मार ले लोथ हो ले वहू कर, तो अग्नि कुंड दो जगह से मिलेगा बेचारा, लोथ आ काली जी दोनों जगह मिल जाएगा। बोलो जूता हुआ खेत कहाँ मिल, कहना कि उतना पहले खेत जूतल है, ये सब काली जी की कृपा है। तो काली भंग जूतल खेत तक काली जी के कृपा काली भंग। अब नेक्स्ट सुनिए, लोथल में एक और मिला है युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब समझते हो, युगल मीन्स जोड़ी, पति पत्नी एक ही कब्र में दफनाए हो, इसी को युगल समाधान कहते हैं लोथल में मिल। नेक्स्ट सुने वन वाली, ये बेचारी जंगल वाली है, जंगल वाली बेचारी सीधी साधी हल के आकृति का खिलौना लिए हुए, पूछेगा हल के आकृति का खिलौना तो वनमाली, जूता हुआ खेत तो काली भंग, और रोपड़ एक कब्र में लाश मिला है जहां मालिक के साथ कुत्ता को दफन किया हो, आदमी के साथ कुत्ता दफन है, ये हंसने वाली बात है रोने वाली बात है, नामे बेचारा का रोपड़ है, ये सब सुन के सर रो पड़े हम, मालिक के साथ कुत्ता दफन। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में कौन से जगह में मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया, रोपड़। तो एक बार तेजी में लास्ट रिवाइज करो, मातृदेवी हड़प्पा, पशुपति शिव मोहनजोदड़ो, कासे की नर्तकी मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो, कासे नर्तकी भी मोहनजोदड़ो, 26 नर कंकाल मोहनजोदड़ो, गुड़िया बनाने के कारखाना चनोदड़ो। बोलो बंदरगाह लोथल, बंदरगाह लोथल, हाथी दांत के स्केल लोथल, गुड़िया बनाने के कारखाना कहाँ है चनोदड़ो, घोड़ा के अवशेष लोथल और सुरकोटदा गुजरात का प्रयोग है, घोड़ा वहां से मिला था, काली बंगा से जूते हुए खेत के अवशेष, अब बनवाली से खिलौना, मालिक के साथ कुत्ता तो रोप। ये तो क्लियर है सबका। अब तेजी में इसका वाइंड अप कर रहे हैं, सभी लोग अब ध्यान से सुन लो। अब हड़प्पा सभ्यता के हम लोग जीवन पर प्रकाश डाल, 10 मिनट केवल सुनना है, उसके बाद प्रश्न को सुनना है, लेवल 2 क्वेश्चन मेन सुनना जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। लेवल 2 अभी कर ले, 1-2 क्वेश्चन जो इतना से सुने हो जल्दी जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, लेवल 1 में क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, काली बंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी, धौला वीरा का अर्थ क्या है, सफेद धुआं, तीन वो अर्थ पूछेगा, धौला वीरा सफेद धुआं, काली बंगा काले रंग की चूड़ी, और मोहनजोदड़ो मुर्दों की टिल्ला। अच्छा इसका नाम काली बंगा क्यों पड़ा, यहां चांदी के चूड़ी प्राप्त हुए, और इससे तुम समझ गया कि क्या हड़प्पा वासी चांदी से परिचित थे, तो थे, चांदी की चूड़ी बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो ऊपर काला लेयर जम जाए, और इसीलिए काला लेयर जमने से वो चूड़ी काले रंग की थी, नाम काली बंगा। लेवल 2 का अच्छा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, चॉइस उर्दू, अरबी, संस्कृत, सिंधी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, एक अच्छा प्रश्न है, जल्दी आंसर बोलो। तो सही आंसर सिंधी, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता। अब दूसरा प्रश्न हम लोग सुनते हैं, सुन लो, 5 क्वेश्चन सुनोगे तो लेवल 2 अच्छा हो जाएगा। सब चीज सुना, ये मिला वो मिला, अब जरा सोच के बताओ, 5 क्वेश्चन में तुम्हारा बुद्धि पूरा ठीक कर लेंगे कि जी अब हड़प्पा तो मेरा लगता है कुछ अच्छा सोचने लगे, ये मेन इसके लिए मैं हूं। जल्दी बोलो, हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन से सबसे अधिक किस सामग्री का सामान मिला, क्वेश्चन सुन लो। अब क्वेश्चन सुनिए, ये सब क्वेश्चन जल्दी भेंट नहीं होगा, इसे बुद्धि बढ़ाओ प्रश्न है, ये सब अच्छे रेंज में प्रीसियस लेवल पे चलता है, रेलवे वगैरह में इतना अच्छा क्वेश्चन भेंट नहीं होगा, वो सब तो अपने बन जाएगा, ये सब बनेगा तो उधर मुस्कुरा के बनाना, उधर भार नहीं पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता में
उत्खनन में सबसे अधिक किस सामग्री का सामान मिला, ये क्वेश्चन है। पहला ए तांबा, बी टीना, सी एक पत्थर कर देते हैं, और डी कांसा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस सामग्री का सामान मिला, आप सभी सुन चुके हो, जल्दी आंसर बोलो क्या मिला। कांसा, तो आप कितना तेज हो, कांसा जीरो नंबर मिला, कांसा नहीं होगा। अब बोलो, एक ऑप्शन और दिए, कांसा नहीं होगा, जल्दी बोलो। हाँ तामा सोच रहा है, तो मूर्खो पत्थर सही आंसर। अरे कितना हल्का क्वेश्चन है, इसको तुम नहीं सोच पाया, इस सोचने वाला क्वेश्चन। अरे हड़प्पा वासी कांसा तक पहुंच गए थे, लेकिन कांसा की कम सामान मिलेंगे, पत्थर का चीज उस समय ज्यादा मिलेगा। तुम्हारे घर में हम कहे कि सोना के बहुत सामान रखा है, तो तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा सामान है सोना का, चांदी का, स्टेनलेस स्टील का कि पत्थर के? अभी भी पत्थर का होगा, छत पत्थर है, सीढ़ी पत्थर है, सामान भी पत्थर है, पत्थर तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा हो। अरे तुम्हारे यहाँ अभी भी देवता रूम में घुसोगे तो अधिकांश तो तुम देखोगे पत्थर में ही रहेंगे, मंदिर में जाओगे अभी भी पत्थर ही बेचोगे। तुम सोना घर में पहुंच गया तो क्या मानने लगा कि सोना ज्यादा मिलने लगेगा? अरे सोना बेचारा 100 ग्राम 200 ग्राम बहुत होगी, भाई सब किलो किलो से मिलना शुरू हो। तो चलिए अब सुन लो, एक क्वेश्चन और घुमाते हैं इतना ही से। अब तुम समझ गया होगा क्वेश्चन कितना अच्छा सोचना होता है। एक प्रश्न और सोच में आया आपको, लेवल टू से तीसरा लास्ट पूरे होने के बाद तब हम चलेंगे, जल्दी बताओ तीसरा क्वेश्चन। एक हल्का पूछ लेते हैं लेवल वन पहले। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना, चांदी, तांबा और लोहा? आंसर क्या होगा? लोहा। अभी लोहा नहीं आया है तो ध्यान रखना, लोहा नहीं, अभी कांसा तक ही है, ये ध्यान रखना। अब जल्दी बताओ हड़प्पा सभ्यता के लोग, अच्छा चलो हल्का पूछे वो तो आगे आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो। हड़प्पा सभ्यता में कहां कब्रगाह नहीं मिला, कब्रगाह नहीं मिला? हड़प्पा, बी मेलोथल, सी रोपड़, डी आपको मान लो मोहनजोदड़ो दे रहा है। कहां कब्रगाह, मरने के बाद कब्र में नहीं भेजते थे, कहां कब्रगाह नहीं मिला है, जल्दी बोलो। लोथल में तो मियां बीबी साथ ही मिला है, अभी ना युगल समाधान मिला है, कहां नहीं मिला? तो लोथल नहीं होगा, रोपड़ में कुत्ता साथे था तो दूगो गया, 50-50 हटा दिए, आंसर बोलो। हड़प्पा सोच रहा है मोहन जोदड़ो में 26-26 को फेंका ला क्यों, वहां कब्रगाह नहीं था। ये सोचो सोचो, 26 लाश बाहर मिल रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, सोचना होगा तुम्हें। तो कब्रगाह कहां नहीं है, मोहन जोदड़ो में, सही आंसर मोहन जोदड़ो हुआ। खैर अब आ जाओ आगे का स्पीड, सुन ले परेशान नहीं होना है, लेवल टू पे चल ही रहे, लेवल थ्री चलने लगेंगे तो मुस्कुराने लगोगे, हड़प्पा अपना अंतिम चरण धर ले, हड़प्पा का यही चरण तो सीखना है। चलिए पूरा सुन ले पहले, उसके बाद जितना शौक रहेगा कि हड़प्पा तुमको शौक पूरा कर देगा, अभी ना चल रहा है, अभी इतना सामान बता दिए, और ज्यादा कुदेरेगा तो पूछेगा इसमें सबसे बड़ा कौन था, स्नानागार, अन्नागार, कब्रगाह, चार गो चॉइस देगा, कारखाना, सबसे बड़ा एरिया किसका था। तो खैर वो सब स्टेप लास्ट डिस्कशन, अभी तेजी में सुन लो आप। अब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन ले तीन स्टेप सभी लोग ध्यान दो, तुम्हें लगता है ना क्वेश्चन का अक्सर प्रैक्टिस करें अच्छे प्रश्न मिलेंगे, घबराओ नहीं, और अच्छे प्रश्न बनाने के लिए केवल गंभीरता से सुन, अंदर से लगे कि मिले मिले बस तेज होगी, तेज और कुछ नहीं होता है। उसके बाद रेलवे वाला सेट बनाना, पूछा हुआ वाला, तो चेहरा पर मधुर मुस्कान के साथ टिक लगाओ कि इतना छोटा पढ़ने का भी मन नहीं करता, इसका तो ऐसे ही हो जाए, तब ना अच्छा आंसर होगा। चलिए अब तेजी में जरा सुन ले, सामाजिक जीवन एक बार तेजी में सुनो, समाज में होता क्या है, पुरुषों की ज्यादा प्रधानता है कि महिलाओं का,
पहले ही सोचना है। बताओ ये हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की मूर्ति अधिक मिली। हम तुम्हारे घर में जाएं और पुरुषों का फोटो कम है, नाना जी का फोटो नहीं है मरने के बाद भी, नानी टंगल, दादी का फोटो टंगल है बाकी नहीं है। इसका मतलब है कि ज्यादा प्रधानता किनको दिया जा रहा है बताइए, ज्यादा प्रधानता किनको दिया जा रहा है, पुरुष को कि महिला को? महिला को अधिक प्रधानता दिया जा रहा है। तो ये मातृसत्तात्मक हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा है, मातृसत्तात्मक, महिला को अधिक प्रधानता। दूसरी बात हम लोग देखें, देखो ये सब जब हम ही मेंस पाएंगे तो हम ही उलट जाएंगे, अभी पीटी के लिए चलेगा। तुमसे पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता में महिला की स्थिति अच्छी थी कि खराब, तो तुम अभी अच्छी सोच रहे हो, और हम तुमको कहेंगे कहां से की नर्तकी मिली है, महिला नाच रही है, और महिला कब नाचती है, अच्छी स्थिति में कि खराब स्थिति में? स्टेज पर महिला नाच रही है तो नाचने वाली से पूछो क्यों नाच रही हो, कहेगी स्थिति बहुत खराब, अच्छी स्थिति में थोड़े ना नाचती। तो हम वहां पर तुमको दूसरे दुनिया में ले चलेंगे तो बुद्धि अलग बढ़ने लगेगी, अभी उधर मत बढ़वाओ, अभी सीधे नचवा दो, मातृसत्तात्मक सही है। चलो अब ध्यान से समझो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक जीवन में एक और है, वो है मनोरंजन के लिए क्या करते थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते थे, लेवल टू से क्वेश्चन पूछ देते, जल्दी बताओ हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते थे। चॉइस ए बैलगाड़ी की दौड़, बैलगाड़ी की दौड़ नहीं करते थे। चॉइस बी घुड़दौड़ नहीं करते थे। चॉइस सी नाच गान, ये नहीं करते थे। और चॉइस डी शिकार, ये नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लेवल टू पे क्वेश्चन है जो चिंतन से बनेगा, इस समय गूगल बाबा भी कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, सोचो ठीक से तब चलेगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते थे, बैलगाड़ी का दौड़, घुड़दौड़, नाच गान, शिकार, सही आंसर? हाँ, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं है, लोथल और सुरकोटदा से घोड़ा मिला है लेकिन बाहरी घोड़ा आके मरा है, क्योंकि बिजनेस चल रहा था, उसे बंदरगाह है, इन लोग का घोड़ा पालतू ही नहीं है तो घोड़ा कैसे दौड़ाएगा, घुड़दौड़ मनोरंजन में नहीं था। अब कई लड़का बैलगाड़ी दौड़ा तो घोड़ा भी दौड़ेगा, शिकार मारने लगता है, कई बार तो शतरंज पासा दे देता है, सब चलेगा केवल घुड़दौड़ नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अब इसी में कभी कभी और इशारे इशारे में बात करता है, एक बार का क्वेश्चन मैं बता दूं, पीसीएस में क्या था, बैलगाड़ी के दौड़ के बाद बी नंबर में रथ दौड़ लिखल था, रथ घोड़ा से ही चलता है, अब जो लड़का रथ दौड़ नहीं धरा घोड़ा तो नंबर जीरो आ जाए, रथ दौड़ भी नहीं है। तो अब सामाजिक जीवन आपका हो गया, सामाजिक में मातृसत्तात्मक, मनोरंजन क्या क्या है मेन पूछेंगे। दूसरी बात, आर्थिक जीवन में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा, मुहर, ये सबसे क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो पहले सुन लो तेजी में। मुहर हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी का बना था और मुद्रा टेराकोटा का बना था, ये दो प्रश्न बहुत अच्छा है जो ध्यान देना। मुहर कई बच्चे हमारे नहीं समझ रहे हो, ठेठ में इसको मुहर कहते हैं जो एडमिशन के बाद ऑफिस में लगा देता है, हड़प्पा सभ्यता में वही मुहर था, और तुम देखा होगा मुहर में ऊपर वो डंडा खड़ी खड़ी मार देना है, मुहर माने खड़ी खड़ी सेल खड़ी, कोई कंफ्यूजन नहीं रख, जब कहेगा मुहर तो कहना मुहर माने खड़ी खड़ी मार दो सेल खड़ी, और मुद्रा तो मुद्रा टेराकोटा, टेराकोटा चूना वगैरह कहीं मिला के बनाते थे, तो ये टेराकोटा का मुद्रा है, मुहर है। अगला नंबर सुने, क्या हड़प्पा वासी मापतोल करते थे, खूब करते थे, हाथी दांत का स्केल मिला है, विभिन्न आकृति का वाट मिला है, और इनके मापतोल की इकाई क्या थी, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आंसर है 16। जैसे अभी हम लोग 10 के गुणज में नोट बनाते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में जो वजन होते थे उसके माप तोल की इकाई क्या थी, 16, या तो 16 से कटेगा या 16 के आधा होगा, उसके अनुसार से चलता था।
तो ऑब्जेक्टिव एक अच्छा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मापतौल की इकाई क्या थी? सोलह। क्या केवल आंतरिक व्यापार थे कि विदेशी भी? विदेशी भी। समुद्र मार्ग से व्यापार होते थे? होते थे। जहाज कहां से खुलते थे? लोथल से। लोथल मेन बंदरगाह तुम पढ़ा है। बाकी व्यापार में टीना कहां से, बाकी कहां से, इतना डिटेल आपको नहीं पूछेगा। धार्मिक हम लोग सुन ले, धार्मिक जीवन पर थोड़ा गंभीरता से सुन लो। हड़प्पा सभ्यता में पूजा पाठ में मंदिर, क्वेश्चन आएगा एक बार का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तुम देखा मातृ देवी की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, एक बार का क्वेश्चन है, लेवल टू का प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के मंदिर टेम्पल बने थे पत्थर के, ईंट के, चूना के, और डी इनमें से कोई नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के मंदिर किसके बने थे? जल्दी सोचो। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो मंदिर किस चीज के हों? गेस करो जल्दी। पत्थर। तो आंसर है मंदिर नहीं मिले हैं। अब इसीलिए पूछता है, सुन लो जी, पत्थर मारोगे नंबर पत्थर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। लेवल टू क्या होता है समझ रहा है ना, एक वाइब्रेशन चाहिए सोचने वाला। सुनो अब, हड़प्पा सभ्यता में पूछेगा मूर्ति पूजा था या नहीं, जल्दी हा या नहीं। तथा मूर्ति पूजा होते थे, मातृ देवी भी थे, पशुपति शिव भी थे, अग्निकुंड भी थे, स्वास्तिक थे, सभी चीज थे। स्वास्तिक की भी पूजा होती थी, स्वास्तिक बने ऐसे वाला जो देखे हो, ये सब मिला है, लेकिन मंदिर नहीं मिला। बोलो, हड़प्पावासी भूत प्रेत मानते थे, तंत्र मंत्र मानते थे, हा या ना? बड़े संख्या में ताबीज मिला है। कोई लड़का पढ़ने आए और दाहिना हाथ में ताबीज मारे हुए, पूछने का जरूरत है? समझो साधु के मान रहा और ये सब जादू टोना के फेर में रहता है। काला धागा क्यों मारे हुए, ताबीज क्यों मारे हुए, जरूरी सब मानता, नहीं मानेगा तो सबको फेंक देगा। अब ये सब सुन ले, किसी के हाथ की अंगूठी देखोगे, जितने अंगूठी है पूछने का जरूरत नहीं है। बोलो, बृहस्पति शनि ग्रह ये सब मानता है तो खूब मानता है, जितने मानेगा उतने ही बढ़ते चल जाए, नहीं मानेगा उसका कुछ नहीं रहेगा। अब आप समझ रहे होगे, ये सब इनकी धार्मिक जीवन हो गए। लेवल टू से क्वेश्चन सुन ले, धार्मिक जीवन से जो अच्छे प्रश्न बनते, मेन क्वेश्चन आपको दर्शन करा दे बढ़िया बढ़िया, जो आपको जल्दी भेंट नहीं होगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन सुने। हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? चॉइस ए शिव, पार्वती, गणेश, गणेश, और सभी हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे? शिव के, पार्वती के, गणेश के, सभी के। खाली शिव जी के धरोगे, पार्वती जी छोड़ दोगे? सोच लो किसकी पूजा करते थे, तो सिर्फ शिव, अभी कोई सब नहीं है, बात समझ लो। पशुपति शिव मिले हैं, ये सब नहीं है। कई लड़का परीक्षा हॉल में, शिव जी है तो पार्वती जी तो पक्का है, अब दोनों है तो गणेश जी कहां जाएंगे, मारो सभी, जीरो नंबर आ जाएंगे। बोलो, हड़प्पावासी पूजा करते थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी, जल्दी बोलिए। शिव की पूजा शिव ही महेश है, ब्रह्मा विष्णु इस समय के कोई देवता नहीं। अब यहां पे सुन लीजिए, अब थोड़ा इनका आ जाए नगर नियोजन पे, जहां से प्रश्न बनते हैं। हम एक नजर आपको पूरे हड़प्पा सभ्यता घुमा दे रहे हैं, उतना के बाद कॉन्फिडेंस लेवल हड़प्पा से बढ़ जाएगा। इसके बाद जो हम हिस्ट्री पाएंगे, अब मोड दूसरा रहेगा, अब चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं चलेगा। एक बार सामाजिक हेडी, पूरे एंशियंट का सामाजिक चलेगा, एक ही बार में हम समूचा चैप्टर जोड़ेंगे तुम, तब आनंद अलग आएगा पढ़ने का, कि बहुत बढ़िया मेरा एंशियंट होगी। एंशियंट तो तुम लोग एकदम तैरोगे कि बहुत बेजोड़ मेरा होगा, लेकिन उसके लिए उस शैली को तुम्हें धरना पड़ेगा। तो चलिए जरा ध्यान से सुनिए, हड़प्पा चुके अल्टर था, अलग था, इसलिए इसको छाट दिए। अब द्वितीय नगरीकरण सब आगे शुरू होगा, ऋग्वैदिक से एक साथ चलेंगे। नगर कैसा था, नियोजित कि अनियोजित? पूरे प्लान्ड वे में बसाया हुआ, ग्रिड प्रणाली पर आधारित।
ग्रिड प्रणाली जो बिजली वगैरह में देखे होगा सही जगह पर पूरे पोल वगैरह लगना, चेस बोर्ड के आकार का पूरा सही जगह कौन क्या होगा, पूरे सड़क की बात करें तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, सड़कें पक्की थी कि कच्ची, तो इस समय कच्ची होगी, इस समय अलकतरा कहां से आएगा, ज्यादा हाई फाई भी नहीं हो जाना है, कई लोग हड़प्पा में ज्यादा हाई फाई होकर पक्की कर देते हैं, तो सड़क कच्ची है लेकिन समकोण पर काटते हैं। बोलो, इसमें सड़क के दोनों ओर मकान बन रहे, मकान के खिड़की दरवाजा सड़क पर खुलेंगे कि नहीं, तो खिड़की दरवाजा सड़क पर नहीं खुलेंगे, सब पीछे गलियारा होगा, गलियारा में खुलेंगे। मन में आ रहा होगा क्यों, तो सड़कें कच्ची थी, निरंतर बैलगाड़ी चलते थे, धूल से गंदा हो जाएगा, गली से पीछे की ओर दिया गया, सब बहुत ब्रेन लगा के मकान बनाया, सभी घर में जल के लिए कुआं का प्रबंधन, और सबसे बेजोड़ बात है सभी घर में पानी निकालने के प्रबंधन के साथ सड़क के दोनों ओर नाली बनाए गए, नाली को पत्थर के स्लैब से ढका हुआ भी है, कहीं कहीं चेंबर भी बनाया हुआ, जल निकासी का प्रबंधन सबसे बढ़िया है अन समकालीन सभ्यता से। सुन लीजिए, एक अच्छा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में दूसरी सभ्यता से सबसे अच्छा क्या रहा, जल निकासी, और जल निकासी माने क्या हुआ, नाली, और इसमें एक अच्छा प्रश्न है, समझा दे, दो जगह, कालीबंगा, कालीबंगा और बनमाली, ये दोनों जगह जल निकासी नहीं मिला है, और इसलिए क्वेश्चन पूछता, सभी जगह मिले हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब जगह नाली, सभी जगह, ये दो जगह नाली नहीं मिला, रट जाओ, काली और बनमाली में नाली नहीं था, याद हो गया, काली और बनमाली में नाली नहीं था, खत्म हो गई। तुमसे कभी पूछेगा कि जल निकासी नाली नहीं था, कहना काली और बनमाली में नाली नहीं था, हो गया खत्म। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा, नेक्स्ट स्टेप समझा जाए। सुनो आप, नगर किस प्रकार है, इसको पर एक मिनट सबका ध्यान चाहेंगे और तब क्वेश्चन राउंड चलेगा, प्रश्न राउंड में मेन आपका हम देखेंगे कितना अच्छा आपने स्टेप से समझा है, मेन तो समझने का स्टेप है, आपने कितना अच्छा देखा। नगर योजना के बाद हम लोग इसके पतन पर दो मिनट प्रकाश डालेंगे, पतन के साथ हड़प्पा कंप्लीट रहेगा, इससे थोड़ा हाई रेंज बढ़ा के आपको पीडीएफ दे देंगे, सारे उसमें आपको जितना मन भर खोज रहे हो सब रहेगा, उतना में जितना हम बता रहे हैं इतने याद कर लोगे, रेलवे से ही दुगना ऊपर है, रेलवे का प्रश्न इससे नीचे ही रहना है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, नगर में आपको बता दें हड़प्पा का जो शहर है कितना वेल प्लान में है, एक बार सुनो गंभीरता से, सभी शहर दो भागों में विभाजित, एक तरफ थोड़ा ऊंचा था पश्चिम साइड और पूर्व साइड थोड़ा नीचा था, और इसीलिए इसको पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला दो भागों में इसको बांटते हैं। पूर्वी टीला में ही हड़प्पा सभ्यता में आवास मिला है, लोगों का रहना सहना यहां था, पश्चिमी टीला में संभवतः शासक वर्ग रहते थे, यहां बहुत आवासीय क्षेत्र नहीं मिला, और सबसे मजेदार बात है पूरे शहर को दुर्गीकृत किया गया है, बाउंड्री बना के दुर्ग बना के रख रहा है। सोचो, हमारा तुम्हारा घर छोटा है, उसकी बाउंड्री करने में कितनी परेशानी, और हड़प्पा सभ्यता पूरे शहर को ही एक बाउंड्री में लिया, घुसने का एक प्रवेश द्वार, तब अंदर घुसिए, समकोण पर सड़क काट रहा है, जिस तरह के रोड नंबर में घुसना है वहां जाइए, आप वहां मिल सकते, इतना दुर्गीकृत शहर के बारे में तुम पढ़ रहे। अब क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का आवासीय क्षेत्र पूर्वी भाग था कि पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, पूर्व में आवास है, पश्चिम में शासक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन है जिसको ध्यान से सुन लो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, एक जगह ऐसा है जहां कोई दुर्ग नहीं है, वो है फैक्ट्री वाला जगह जिसका नाम चान्होदड़ो। अब यहां भाई फैक्ट्री है, कब कितना बड़ा गाड़ी आएगा, दुर्ग उर्ग बनाने से काम नहीं चले, इसलिए पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के किस जगह में दुर्ग नहीं, चान्होदड़ो। दूसरा, कालीबंगा में
दोनों अलग अलग दुर्गीकृत मिले हैं, अलग अलग बाउंड्री। धौलावीरा में त्रिस्तरीय घेरावट है, तीन भाग में बांट के घेरावट, कहीं कहीं जो अपवाद मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़े। लोथल में जब तुम जाओगे तो ये पूरे एक ही साथ दुर्गीकृत किया गया, बीच में पूर्वी टीला पश्चिमी टीला नहीं मिलते, तो कुछ कुछ अपवाद कहीं मिले, प्राय सबका स्ट्रक्चर यही। अब यहां पे इसके पतन पे मैं चाहूंगा 5 मिनट आप ध्यान दे दो। हड़प्पा सभ्यता अचानक बंद क्यों हो गई, इसके लिए इतिहासकारों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर निकाले। सबसे बढ़िया आंसर मार्टिन व्हीलर का रहा। मार्टिन व्हीलर एक इतिहासकार है और इनका सपोर्ट किए गॉर्डन चाइल्ड। आपको थोड़ा बता देना, ऐसे तो सबका नाम रेलवे में काम नहीं। मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने कहा, चूंकि हमें आगे काम इसका पड़ेगा इसलिए इनका चर्चा की, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमण का सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण से हुआ है। लोगों ने पूछा कि कैसे जाने, कौन थे बाहरी आक्रमण करने वाले, आपको भी लग रहा होगा कि कौन था ऐसा। तो इन्होंने इशारा किया कि दूसरा लोग नहीं थे, आर्य थे। ऋग्वैदिक सभ्यता का निर्माण जिन्होंने किया यही आर्य लोग ने हड़प्पा सभ्यता को मार दिया। लोग पूछा कैसे, कोई प्रमाण है आपके पास? इन्होंने कहा कि दोनों प्रमाण के दो वेराइटी हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। आपको क्या चाहिए, हम दोनों देते हैं। पुरातात्विक, मोहन जोदड़ो में 26 नरकंकाल मिले हैं और उसके हड्डी पर तेज पहने धार के निशान है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक आदमी मरा है दूसरा चाकू लेके वहीं जाके मर जाए, तीसरा वहीं जाके मर जाए। 26 व्यक्ति एक एक जगह मरना, ये बताता है कि बाहरी आक्रमण होने से मार के फेंक दिया। डर से कई लोग भाग गए, सभ्यता उजड़ गए। लोगों ने पूछा साहित्यिक, तो इन्होंने इशारा इंद्र की ओर किया कि दूसरा कोई नहीं है, इंद्र है, इंद्र भगवान। कैसे, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, और इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला, और हड़प्पा बेचारा किला बनाने वाला, और इनका देवता है किला तोड़ने वाला। तो समझ लो, हड़प्पा वासी है किला बनाने वाला, और आर्यों का देवता है कि किला तोड़ने वाला, तो जरूर किला तोड़ने समय जय इंद्र करके ढा दिया हो। इंद्र मेरा किला तोड़ने वाला देवता है, किला धर के साफ कर दो। इन्होंने कहा कि मेरे पास सब प्रमाण है, और पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण से बाह्य आक्रमण का सिद्धांत दिया, बहुत पॉपुलर हो। लेकिन इतिहास किसी एक पर खुश मत हो जाना, ये खुश हो जाओगे तो इतिहास के विद्यार्थी नहीं हो। अब इतिहासकार इनका गोड़ हाथ धरेंगे तुम तो खुश हो गया, अभी इनका गोड़ धरेंगे तो अचानक लगेगा कि झूठ बोले। अब कई इतिहासकार कहे हैं कि अगर बाह्य आक्रमण होता है तो फिर केवल 26 क्यों, बाकी कहां गया? केवल 26 नरकंकाल से आपके शहर में 26 आदमी का लाश मिल जाए तो क्या शहर के सब आदमी भाग जाएगा? अरे 26 लाश मिला तो मिला, बाकी कहां गया? केवल 26 से हम नहीं कह सकते कि अंत बाह्य आक्रमण से हुआ। आपका पुरातात्विक साहित्य ये भी अपर्याप्त है, और साहित्यिक ये भी ठीक से व्याख्या नहीं। लोगों ने पूछा कि तब कैसे हुआ, तो किसी ने बाढ़, किसी ने सुखाड़, किसी ने जलवायु परिवर्तन, किसी ने भूतात्विक परिवर्तन, कई कारण को जिम्मेवार ठहराया। अभी आपको नाम नहीं ले रहे हैं, तो मार्शल मैके बाढ़ है, राइक्स है, जलवायु परिवर्तन है, सब इतिहासकारों के नाम के साथ पीसीएस में याद करना पड़ेगा। मैं आपको लोड नहीं दे रहा हूं, अभी केवल बाह्य आक्रमण बीच में एक थ्योरी पॉपुलर था, इसको हम चाहे के नाम के साथ याद करो। लेकिन अब तुमसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है, तो आप एक ही आंसर देना कि इतनी बड़ी सभ्यता जो हजारों किलोमीटर में विकसित है, यहां से दिल्ली तक जिस सभ्यता का विस्तार रहेगा, उसका अंत किसी एक कारण से नहीं हो सकता। अलग अलग जगह के पतन के लिए अलग अलग कारण जिम्मेवार रहे हो, कहीं बाढ़ से हुआ होगा, कहीं सुखाड़ से हुआ होगा, कहीं आक्रमण के डर से भी भागा होगा, सबको जोड़ दिए होंगे तो पतन
का एक कारण होगा और यह इतिहासकारों के बीच अभी विवाद का विषय है, इसमें और शोध की आवश्यकता। इतना बोल के चुप हो, सब अगर इतिहास के विद्यार्थी हो पूछेगा तो इतना लिख देना है, इंटरव्यू में पूछेगा हड़प्पा के पतन क्यों हुआ, कई बार इंटरव्यूअर बड़ा तेज होता है, जान के दे देता है कि अच्छा इतिहास से ग्रेजुएशन किया है तो यस हड़प्पा का पतन हुआ, बोलिए तो बाह्य आक्रमण से कि बाढ़ से, चेक करता है। लड़का एक बोलता है तो अंदर अंदर समझ लेता है ज्ञान नहीं, और लड़का केवल बोलता है कि इतनी बड़ी सभ्यता के लिए कोई एक कारण नहीं हो सकता है, आप जितने च्वाइस देंगे सभी अलग अलग के लिए जिम्मेवार रहे होंगे, और इसमें अभी और शोध की जरूरत है, एक्चुअल कारण अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, बीच में चुपचाप निकल जाना, तो कहीं कहीं निकलने में ही भला ही रहता है, आंसर दे दोगे तो जीरो नंबर हो जाए। तो अब खैर हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको अभी करवाते हैं, तो हम लोग सुनेंगे अभी कुछ प्रश्न। चलिए जल्दी से बताइए, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं,